स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है अमित एंड सुमित सिंह कुशवाहा। सो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बोर्ड की इंपॉर्टेंस से बहुत ज़रूरी है। और बोर्ड में ये रिएक्शन बहुत बार पूछ ली जाती है और साथ ही साथ इस पर बेस क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या है ये कैनिज़ारो रिएक्शन, डिस्कस करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरी की पूरी रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। सो फ्रेंड्स, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने रिएक्शन कंप्लीट या अटेंड करी थी, तो इसलिए ये कैनिज़ारो रिएक्शन का नाम पड़ा। सो फ्रेंड्स, ये कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन है कि जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो, नॉट प्रेजेंट, ये इसकी कंडीशन है। जो भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा वही कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर पाएगा। तो जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होंगे वही सिर्फ ये शो करेगा। अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, साथ ही इसको हमने अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जो नेक्स्ट कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH3CHO, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये, तो ये वाला नहीं हम अल्फा अल्फा कार्बन मानते, इसको मानते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो भी अटैच्ड हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है वो ये रिएक्शन शो करते हैं। तो कौन ये रिएक्शन शो करेगा, ये रिएक्शन शो कर सकता है फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल। और ये याद रखना, इसमें हम हमेशा जो भी कंपाउंड यूज़ करेंगे, पहली तो कंडीशन उसमें ये है कि वो अल्फा हाइड्रोजन एटम उस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी कि हम उसका 2 मोल यूज़ करेंगे। मान लीजिए जैसे हमने HCHO लिया तो हम उसको 2 मोल्स लेंगे, क्योंकि हम इसको जैसे रिएक्ट करेंगे। तो मैं अब रिएक्शन की तरफ पहुँचता हूँ, रिएक्शन की एग्जाम्पल्स लेंगे हम रिएक्शन, ठीक है। अब हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन। तो हमने मान लिए सबसे पहले HCHO को ही 2 मोल ले लिए, HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर HCHO का, CH डबल बॉन्ड O प्लस CHHO। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनमें दोनों के दोनों जो एटम्स हैं दोनों में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, प्रेजेंट नहीं है ना। अल्फा हाइड्रोजन कार्बन के साथ, ये जो कार्बनिक ग्रुप के कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है इसको हम कभी भी अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन भी नहीं बोलते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने कंसनट्रेटेड KOH से रिएक्ट करा, तो होता क्या है, इसमें जो 1 मोल होता है वो ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन की तरह शो करती है। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, इसको हम बोल सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रखी है। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन मींस वो रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों दे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो इसमें जो 1 मोल होगा ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, और जो 1 मोल होगा वो रिडक्शन शो करेगा। यानी जो 1 मोल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। आपको पता है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन में हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है वो। सो जब भी हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और जब भी हम इसका रिडक्शन करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो इसमें हमें 2 प्रोडक्ट देखने मिलेंगे, एक मिलेगा अल्कोहल और दूसरा मिलेगा हमें, ठीक है, दूसरा मिलेगा हमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। सो सबसे पहले तो ये रिड्यूस होता है 1 मोल, तो 1 मोल रिड्यूस होता है तो फाइनली हमें मिल जाता है CH3COH, CH3OH, और साथ ही साथ इधर HC डबल बॉन्ड O और OK, ठीक है, OK मिल गया। इसको बोलते हैं हम पोटेशियम फॉर्मेट। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी रिएक्शन, ये बोर्ड की इंपॉर्टेंस है तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ ये आपको GMains वगैरह एग्जाम में भी बहुत काम आएगी। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब